हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम रोम आयन 2.3.बी के बारे में आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने कस्टम रोम 2.3.ए के बारे में वीडियो बनाया था जिसका आपको जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और ये जो रोम है ये है 2.3.बी, उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें काफ़ी सारे जो इसमें बग्स थे वो इन्होंने रिमूव किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इंक्लूड किए हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो इसमें साउंड का था, जिसके लिए हम NXP इंस्टॉल करते थे, साउंड आउटपुट बहुत कम था। अब देखिए दोस्तों, इसमें साउंड आउटपुट बहुत ही बढ़िया हो गया है और जैसा ओरिजिनल स्टॉक रोम में साउंड आता है वैसा ही साउंड इसमें भी आता है। तो सुनिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन साउंड है दोस्तों, और वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया और ये मैंने मैक्सिमम पे अभी रखा है और साउंड में भी कोई डिस्टॉर्शन ऐसा नहीं आ रहा। काफ़ी क्रिस्प साउंड सुनाई देगा आपको। और चलिए नेक्स्ट कोई ऑडियो प्ले करके देखते हैं। अलग अलग तरीके का मैं आपको साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसे बेटर हो चुकी है इस रोम में साउंड की क्वालिटी। तो ये था दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इस रोम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। XDA डेवलपर में आप जाके देख सकते हैं, आयन OS 2.3.A सर्च करेंगे तो प्रणव KPR जो इनके डेवलपर हैं और इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया है इस रोम को बनाने में, उनको क्रेडिट जाता है कम्प्लीटली इस रोम के लिए। और मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, लास्ट जो अपडेट है 2.3.बी का है और उसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो सारे आपके सामने हैं, चेंज लॉग सारे। और मोस्टली जो चेंजेस आपको मिलेंगे दोस्तों वो डिस्प्ले सेटिंग्स में और QS सेटिंग में आपको मिलेंगे। चलिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो एक्सेंट कलर का जो आपको मैं दिखाता हूँ, आयोनाइजर जो इन्होंने कस्टमाइजेशन करने का शॉर्टकट दिया है उसमें एक्सेंट कलर जैसे पहले हमें मिलता था दोस्तों, सिलेक्टेड कलर से हमें मिलते थे, अब हम इसमें कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद आता हो, जैसा भी ग्रेड का कलर आपको पसंद आता हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। पहले सिलेक्टेड कलर हुआ करते थे, 10-15 जो ऑप्शन हमें मिला करते थे वही थे, अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। मैं ग्रीन ही जैसा मैंने पहले लगा रखा था वही मैं कर देता हूँ दोबारा। अब नेक्स्ट मैं आपको QS हेडर कलर है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें जैसे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है दोस्तों, जैसे ड्रैग हम करते हैं टॉप जो रो रहती है जिसमें में सारे के सारे सिंबल्स रहते हैं, नेटवर्क आइकन्स रहते हैं, बैटरी सिंबल्स रहते हैं, उसमें ये देखें दोस्तों ये येलो कलर का जो बैकग्राउंड आ रहा है पूरे का पूरा। और जो QS जो पैनल था उसमें आपने जो आइकन्स देखे वो मैंने स्पेस सेटिंग कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइकन तो शेप में आप जाएंगे और हेडर इमेज में जाएंगे तो देख सकते हैं आप, इमेज कलेक्शन मैंने स्पेस कर रखा है। अगर आप कलर चूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली कलर बार शो हो जाती है टॉप पे, जैसे ही हम लोग क्विक शॉर्टकट पैनल ओपन करते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। और बाकी सारी चीज़ें दोस्तों पहले की तरह ही हैं, ये गेमिंग मोड भी अवेलेबल है वैसे का वैसे, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं और हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं गेमिंग मोड में। और काफ़ी कस्टमाइजेशन है इस गेमिंग मोड के अंदर और लुक वाइज मीन्स सारे के सारे कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों मेन जो इशू था जो लास्ट वाली रोम में 2.3.ए में हमें देखने को मिलता था, वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन जो नहीं मिल रहा था हमें उस रोम में, और इसमें भी दोस्तों मैंने ट्राई किया
वाईफाई कॉलिंग का टॉगल तो इसमें दिया हुआ है, बट लेकिन जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जैसे एयरप्लेन मोड में ले आते हैं और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो जो हमें जैसे ही कॉल करते हैं तो हमें शो हो जाता है स्क्रीन पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही कॉल करेंगे तो ये सिंबल आपको दिख जाएगा कि वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, तो आप कॉल कर सकते हैं, बट कॉल होता नहीं है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो। आपको अगर ये रोम कैसे इंस्टॉल करनी है, कम्प्लीटली ट्यूटोरियल चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।